ईंट का जवाब पत्थर से देने आए हो? नहीं, धोखे का जवाब। इनकमिंग मिसाइल। बदले से। जय हिंद दोस्तों, सिनेमा रिव्यू में आपका स्वागत है। ऋतिक रोशन की फिल्म फाइटर 25 जनवरी को रिलीज हुई है, तब से फिल्म ने शानदार कलेक्शन किया है। 250 करोड़ के बजट से बनी फिल्म ने 5 दिन में ही हिंदी भाषा में 150 करोड़ का बेहतरीन कलेक्शन कर लिया है। फिल्म ने पहले दिन पर भले ही धीमी शुरुआत की, जिसमें उसने 24.60 करोड़ का कलेक्शन किया, लेकिन अगले दिन 26 जनवरी को फिल्म के पॉजिटिव रिव्यू से फिल्म को 70% के साथ उछाल मिली, जिसके चलते फिल्म ने दूसरे दिन 41.20 करोड़ की बम्पर कमाई की। फिल्म के लिए तीसरा दिन शनिवार था, जिसमें उसने पहले दिन से ज़्यादा कमाई की, जो कि 27.60 करोड़ था। वहीं फाइटर फिल्म ने एक्सटेंडेड वीकेंड का पूरा फायदा उठाते हुए संडे के दिन 30.20 करोड़ का शानदार कलेक्शन किया। मंडे एक वर्किंग दिन है, जिसमें ये फिल्म 10 से 12 करोड़ के बीच कलेक्शन करते हुए नजर आ सकती है। फाइटर फिल्म सिद्धार्थ आनंद की अब तक की बेस्ट फिल्मों में से एक है। इंडिया में इससे पहले इतनी बेहतरीन एरियल एक्शन फिल्म नहीं बनी है। फिल्म का VFX और डायरेक्शन एक नंबर है। फिल्म की सपोर्टिंग कास्ट अनिल कपूर, अक्षय ओबरॉय, करण सिंह ग्रोवर और दीपिका पादुकोण शानदार है। वहीं फिल्म का विलन ऋषभ सहानी की एक्टिंग की तारीफ हर जगह हो रही है। उन्होंने एक खतरनाक विलन की भूमिका निभाई है। वहीं फिल्म ने अब तक दुनिया भर में 200 करोड़ से भी ज़्यादा का कलेक्शन कर लिया है। दोस्तों, आपको ये फिल्म कैसी लगी थी और ये फिल्म हिंदी भाषा में कितने करोड़ का कलेक्शन कर सकती है, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। ऐसे ही कलेक्शन और रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अब एक और नए अपडेट के साथ। जय हिंद।